ऑफ यू वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है वॉट योर हेटर्स थिंक्स अबाउट यू, यानी कि जो लोग आपको पसंद नहीं करते, डिसलाइक करते हैं, देर विल बी सम पीपल, तो वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या है आपको लेकर। ओके, तो व्यूअर्स ये रीडिंग, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि हेट एज सच कोई आपको हेट नहीं करता, ये कोई किसी को एज सच कुछ हेट नहीं करता। हेट इज़ अ वेरी एक्सट्रीम वर्ड, ओके, ये बहुत ही ज़्यादा यू नो इंटेंस और एक्सट्रीम वर्ड है यूज़ करने के लिए। तो हम कहेंगे कि जो डिसलाइक करते हैं आपको वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्योंकि हेट व्यूअर्स, देखिए व्हेन यू फील इनसिक्योर ऑफ समथिंग, व्हेन यू फील इनसिक्योर अबाउट समथिंग, यानी कि आपको आपके भीतर या आपके जीवन में या अपनी लाइफ में कहीं भी किसी चीज़ की कोई इनसिक्योरिटी होती है, दिस टर्न्स इंटू जेलिसी एंड देन दिस टर्न्स इंटू हेट्रेड। ओके, तो पहले हम इनसिक्योर फील करते हैं, देन वी फील जेलस, और समवेयर अगर हम उसे कंट्रोल ना करें तो वो हेट्रेड बन जाता है, हेट बन जाता है। ओके, तो एज सच कुछ हेट होता नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि अगर हम इनसिक्योर होते हैं किसी चीज़ को लेकर तो हमें वो उस चीज़ को देन एंड देयर करेक्ट करना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट, गिव मी अ मोमेंट। और व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो माय डियर व्यूअर्स ओपन माइंडेड होकर सुनना है। ओके, और साथ ही रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है और हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, तो डोंट बॉदर अबाउट द एज एंड द जोडियक साइन। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस है, यानी कि जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक एक साल, दो साल, पाँच साल या दस साल, कितने भी महीने या कितने भी हफ्तों बाद पहुंचे हैं, आप जब भी इसे देख रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊं सबसे पहले आप लोग उसे देख पाए। ओके व्यूअर्स, और अगर आप लोग मुझे मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर फॉलो करना चाहते हैं तो न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे वहां पर क्लिक करके, उस लिंक को क्लिक करके मेरे चैनल पर पहुंच के मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ओके, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो आई जस्ट नीड अ मोमेंट, मैं धूप जला लूं, क्लेंजिंग कर लूं थोड़ी सी। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ मोमेंट। ओके, एंड थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्स व्यूअर्स, आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूं मैं, मुझे बहुत खुशी होती है, कितना अप्रिशिएट करते हैं, बिलीव मी आपका अप्रिसिएशन जो है वही मोटिवेशन है मेरे लिए कि मैं डेली रीडिंग बनाऊं विदाउट स्किपिंग अ डे। ओके, और मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे, ये सब आपके कमेंट्स की वजह से होता है, आप कमेंट करते हैं उसी से मुझे इतना मोटिवेशन फील होता है और कॉन्फिडेंस भी आता है, तो आप लोग बहुत बड़ा रीजन है मेरे कॉन्फिडेंस का, मुझे ये बात मेंशन करनी होगी। ओके, सो थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ एंड मेकिंग इट मोर ब्यूटिफुल, थैंक यू। ओके, चलिए बस स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई नो लोग, आप लोग सोच रहे होंगे मैम प्लीज यार इतना लेट नहीं, जल्दी कीजिए ना, व्हाई यू वेस्टिंग टाइम। ओके, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। ओके, ये मुझे कार्ड अनफोल्ड होता हुआ दिखा था, एम्परर। ओके, तो जो लोग आपको पसंद नहीं करते, क्या सोच है उनकी आपको लेकर, मैं बार बार हेटर्स शब्द यूज नहीं करना चाह रही हूँ, बिकॉज समवेयर व्हाट यू से जस्ट मैनिफेस्ट। ओके, तो आई एम नॉट ओके, कार्ड भी काफी एक्सट्रीम आ रहे हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। आई एम गाइडेड टू टेक वन मोर कार्ड, यूजली मैं थ्री लेती हूँ बिकॉज जितना मुझे इंट्यूटिवली फील होता है आई डू दैट। ओके ओके, दिस ओके,
यहाँ व्यूअर्स ऐसा लग रहा है जो लोग आपको पसंद नहीं करते, पहली बात तो ये कि उनकी ये सोच है आपको लेकर कि आपको सब कुछ किस्मत से मिला है। वो ये सोचते हैं अच्छी किस्मत है इसीलिए अच्छी फैमिली में जन्म हुआ, अच्छी किस्मत है इसीलिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और सक्सेस मिल रही। या वो अगर आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है तो वो सोचते हैं कि आप इतने अच्छे पर्सन नहीं हो जो इतने अच्छे इंसान को डिजर्व करते हो, वो तो आपकी किस्मत है कि आपको मिल गया। तो पीपल जनरली आर थिंकिंग, नॉट एवरी वन, ओके, देर आर सम पीपल जो पसंद नहीं करते हैं आपको, मे बी दे आर इनसिक्योर अबाउट समथिंग। तो ऐसा लग रहा है कि वो ये सोचते हैं कि आपको आपके जीवन में जो कुछ मिला है वो आप डिजर्व नहीं करते हो, आपको आपके भाग्य से मिला है, ओके। बट पीपल शुड अंडरस्टैंड कि अच्छा भाग्य भी अच्छे कर्म से आता है, ओके। इफ यू हैव डन समथिंग गुड इन योर लाइफ यू विल गेट इट बैक, ओके। सब कुछ आपके पास लौट कर आता है। तो ये भाग्य अगर हम बनाते हैं, हम कहते हैं भाग्य से मिला है, भाग्य से मिला है, तो पीपल शुड अंडरस्टैंड कि भाग्य भी कर्म से मिला है। भाग्य भी यूं ही नहीं मिला है जस्ट लाइक दैट रेंडमली, किसी को अच्छा भाग्य, किसी को बुरा भाग्य, किसी को यू नो या मॉडरेट भाग्य मिल गया, ऐसा नहीं है, ओके। सो पीपल शुड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि अगर किसी का भाग्य अच्छा है तो क्यों अच्छा है, उसने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस लाइफ में या पिछली लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं, तभी भाग्य अच्छा है, तभी लक फेवर में है। तो लोग सोचते हैं कि अगर आपकी लव लाइफ है और कोई आपको पर्सन है आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर है, तो लोगों को लगता है कि आप उस पार्टनर को डिजर्व नहीं करते, वो इंसान बहुत अच्छा है, या वो सोचते हैं कि बहुत गुड लुकिंग है, बहुत स्मार्ट है, या वो सोचते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी काम है, काफ़ी सुलझा हुआ अच्छा इंसान है, मैच्योर इंसान है। तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं लोग कि आप तो डिजर्व नहीं करते ऐसे व्यक्ति को, ओके। वो लोग सोचते हैं कि आप एक ऐसे अच्छे इंसान को अपनी लाइफ में डिजर्व नहीं करते हैं, ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, दे थिंक लाइक दैट, ओके। कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि आपको आपकी फाइनेंशियल लाइफ में जो भी सक्सेस, जो भी स्टेबिलिटी मिली है, दे ऑल्सो थिंक कि अच्छे भाग्य, लोगों का सपोर्ट, इन चीज़ों की वजह से आप लाइफ में आगे बढ़े हो, आपका खुद का कोई टैलेंट, खुद की कोई स्किल और खुद का कोई वजूद है ही नहीं। तो समवेयर इन लोगों की सोच देखकर मुझे ऐसा लग रहा है दे आर वेरी मच इनसिक्योर अबाउट समथिंग इन देयर लाइफ। या तो इनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हुआ है, या इनकी लव लाइफ जैसी ये चाहते थे वैसी नहीं हुई है, इसीलिए आपको देखकर और आपकी लाइफ को देखकर सबसे बेस्ट जो कर सकते हैं वो जज कर रहे हैं, ओके। बट यू शुड बी कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय इट, आपको इस चीज से अनटच्ड और अनइफेक्टेड रहना है, ओके। यहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि अगर आपका भाग्य अच्छा ना होता तो आपकी तो हालत बहुत ही खराब होती, यानी कि वो सोचते हैं कि वो तो आपका लक अच्छा है, आपका फॉर्चुनेट हो आप काफ़ी, अदरवाइज आप में कुछ ऐसी स्किल या कुछ ऐसी कला या ऐसा कुछ टैलेंट नहीं है जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ, कोई पर्सनैलिटी आपकी स्ट्रांग नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं, ओके। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके हेटर्स के बारे में, दे थिंक कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, जिद्दी यानी कि लोग ऐसा सोचते हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कभी ऐसा देखा है, ये सिर्फ गॉसिप पर बिलीव कर रहे हैं या आपको सच में कोई कभी कुछ कहते करते देखा हो, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हैं, यानी कि कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका फ्रेंड सर्कल है तो वहां पर आप लीडर बनने की कोशिश करेंगे, फैमिली में अगर कोई बात हो रही है, कोई डिसीजन हो रहा है, तो फैमिली में आप यू नो सबसे बड़े बनकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे कि सब आपकी बात माने, आपकी बात की वैल्यू रखी जाए, ओके। या कोई आपका पार्टनर है, कोई आपका पर्सन है, तो वहां पर भी आप चाहेंगे कि रिलेशनशिप में आपकी चले। कोई जॉब आप करेंगे तो वहां आपको बॉस बनना है, ओके। वहां आपको ऐसा काम चाहिए जहां आपको कोई टोके ना, आपसे कोई कुछ कहे ना, अगर आपको कोई टोकता है, कुछ कहता है तो आपसे सुना नहीं जाएगा, आप किसी की सुनोगे नहीं, बिकॉज यू आर वेरी डोमिनेटिंग। आप लोगों को डोमिनेट करते हो लेकिन आप लोगों की सुनना नहीं चाहते, ओके। आप लोगों को थोड़ा बहुत डांट सकते हो, सुना सकते हो, डोमिनेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, बट वेन इट कम्स टू यू, यू आर कम्प्लीटली यू नो यू आर कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ टू एनी क्रिटिसिज्म, टू एनी यू नो
व्हाट शुड आई से टू एनी क्रिटिसिज्म, या राइट, तो कहीं ना कहीं आप क्रिटिसिज्म को लेके, कोई आपको क्रिटिसाइज करे, कोई आपको करेक्ट करे, इस चीज को लेके आप बिल्कुल भी ओपन नहीं हो, लेकिन आप डोमिनेट करते हो. तो समवेयर पीपल थिंक्स कि आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो, कहीं ना कहीं कुछ जो आपको चाहिए उसकी जिद में आप उसको पाके रहते हो, ये नहीं सोचते कि यू नो इसका आउटकम अच्छा नहीं है, या जिस इंटेंशन से हम कर रहे हैं, जिद के इंटेंशन से, वो इंटेंशन अच्छा नहीं है, आप बस पाना चाहते हो. तो पीपल थिंक लाइक दैट, बट यहां मुझे ऐसा नहीं लग रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, आपके लिए जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, मैं लोगों का नहीं बता रही हूँ, अब मैं बता रही हूँ कि आपका है क्या रियल में. आपका ये है कि आप काफी डेडिकेटेड पर्सन हो, यू आर वेरी फोकस्ड पर्सन. अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े, चाहे आपको यू नो कितने भी भाग दौड़ करनी पड़े, कितना भी यू नो ऐसे लोगों के साथ डिस्कस करना पड़े जिनको आप पसंद भी नहीं करते हो, कितना भी आपको इन्वेस्ट करना पड़े अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपनी एनर्जीज, फिर भी आप जो आप चाहते हो उसे प्राप्त करने की इच्छा रखते हो. तो ये एक डेडिकेशन है व्यूअर्स, ओके, ये कोई जिद नहीं है. आपके डेडिकेशन को लोग जिद समझ रहे हैं, ये डेडिकेशन है. जिस चीज को पाना चाहते हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए पूरी लगन से मेहनत करना, पूरी लगन से उस चीज के पीछे पड़ जाना, दिस इज डेडिकेशन, ओके. दिस शुड बी अप्रिशिएटेड, नॉट क्रिटिसाइज्ड, ओके. यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि लोग कहीं ना कहीं ऐसा भी सोचते हैं कि आपके डोमिनेटिंग और आपके कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से, यू नो पीपल थिंक कि यहां पर आप ईगोइस्टिक बहुत हैं, क्योंकि जिद्दी भी सोचते हैं कि घमंड है आप में. तो लोग सोचते हैं कि आप ईगोइस्टिक हैं और आपके डोमिनेटिंग नेचर की वजह से आपके पास कोई टिकता नहीं है. कि दिस इज समथिंग वेरी ब्रूटल एंड हार्श टू से एंड थिंक फॉर समवन, बट पीपल आर थिंकिंग लाइक दैट. वो सोचते हैं कि आपका डोमिनेटिंग, ईगोइस्टिक और फुल ऑफ एटीट्यूड जो नेचर है उसकी वजह से कोई लाइफ में आपकी टिकने को तैयार नहीं है. पीपल आर जस्ट लीविंग यू एंड गोइंग अवे फ्रॉम यू बिकॉज यू आर वेरी कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग एंड ईगोइस्टिक. इतने ईगोइस्टिक पर्सन के साथ कोई रहना भी नहीं चाहेगा. इतने यू नो जिद्दी या डोमिनेटिंग पर्सन के साथ कोई हैंडल कर ही नहीं सकता. तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि लोग आपके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, आपको यू नो लोग ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि आप बहुत डोमिनेटिंग हैं और बहुत ईगोइस्टिक हैं, लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए लोग आपसे दूर हो जाते हैं. बट ऐसा नहीं है. यहां पर मैं जो देख पा रही हूं वो ये है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आप ओके व्हाट काइंड ऑफ साउंड इज दिस, मे बी देयर इज अ स्ट्रीट वेंडर आउटसाइड सेलिंग वेजिटेबल्स. Do you like vegetables? Even I like vegetables. But some, okay? Not everything. But yeah, we should eat everything. What am I talking about? मैं भी कहां बात करने लगी. तो यहां viewers, ऐसा मुझे यहां पर जो दिख रहा है वो ये है कि somewhere ऐसा नहीं है कि लोग आपकी life से चले जाते हैं आपसे परेशान होकर. It is just that you have a very strong personality. जब किसी की इतनी strong personality होती है कि अगर उसका कोई फ्रेंड बन गया है और उसका फ्रेंड किसी के बारे में गॉसिप कर रहा है कि अरे वो तो ऐसी है, वो ऐसा है, इतना ओवर मेकअप करती है, वो इतना ज़्यादा शो ऑफ करता है, तो कहीं ना कहीं आप बोल दोगे कि आप कोई उन आपकी जज कर रहे हो उनको, आप कौन से कम हो, आप भी तो बुराई कर रहे हो उनकी. तो आप ना चाहे आपका दोस्त हो चाहे कोई भी हो, आप मुंह पर बोल दोगे कि आप भी तो बुराई कर रहे हो, आप भी तो गॉसिप कर रहे हो, आपको भी तो मज़ा आता है लोगों के बारे में गलत कहने में. तो आप उस गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होगे, आप टोक दोगे और ये बात दूसरे इंसान को बुरी लग जाएगी तो वो आपसे दूरी बना लेगा. ऐसा भी होता है कि लोग मैनिपुलेटिव होते हैं, ओके, आपसे कुछ कहते हैं फिर उनका इंटेंशन कुछ और होता है, फिर जब आपकी आंखों के आगे उनका रियल इंटेंशन, उनकी रियलिटी आती है, यू जस्ट गेट इरिटेटेड एंड फेड अप. आपको इतना गुस्सा आता है कि आप उस इंसान से दोबारा बात नहीं करना चाहते हैं, ओके. तो ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स नहीं बने हैं, लोग नहीं आए हैं जीवन में. इट इज जस्ट दैट कि आप बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट हो और लोग थोड़ा ऐसे इंसान के साथ एडजस्ट कर पाते हैं जो एडजस्ट भी कर ले, कॉम्प्रोमाइज भी कर ले, थोड़ा बहुत यू नो जैसे सिचुएशन आए उस हिसाब से अडॉप्ट सिचुएशन को अडॉप्ट कर ले. बट आप थोड़े ऐसे हैं कि आप जैसे हैं वैसे हैं, ओके. अगर कोई आपसे कहेगा कि चलो मिलके गॉसिप कर रहे हैं लोगों की, तो आप कहेंगे मुझे नहीं करनी, फिर चाहे दोस्ती रहे या ना रहे. इवन यहां पर आप ऐसे हैं कि अगर आप थोड़े से आपके पास कोई प्रिविलेज है, कोई पावर है
और कोई आपसे कहे, रिलेटिव या कोई फ्रेंड, कि मेरा ये काम करा दो, वो काम करा दो, चाहे वो डिजर्व नहीं करते हों, चाहे वो केपेबल ना हो, तो अगर वो डिजर्व नहीं करते, केपेबल नहीं है, ओके, तो आप साफ साफ उन्हें मना कर देंगे कि मैं आपका फेवर क्यों करूं, मुझे तो लगता भी नहीं है कि आप ये ठीक से कर पाएंगे, आप किसी और को करने दो ये चीज। तो लोग बुरा मान जाएंगे इस बात का कि अच्छा आप इनको फेवर कर सकते हैं फिर भी कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर आप थोड़े फेयर हैं, ब्रूटली ऑनेस्ट हैं, इस वजह से लोग चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ करते रहें, बट आप ऐसे आंख बंद करके लोगों को फेवर नहीं कर सकते, इसीलिए दे डिसाइड टू मूव ऑन, दे डिसाइड टू वॉक अवे, समवेयर यू डिसाइड टू वॉक अवे ऑल्सो। कहीं ना कहीं आप भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, यू हैव अ पॉलिसी कि अगर कोई मेरे लिए अच्छा नहीं है, कोई मेरे लिए गलत सोचता है या जज करता है मुझे मेरे सही डिसीजंस के लिए, तो मुझे ऐसा इंसान चाहिए भी नहीं। ओके, मुझे यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि लोग ये सोचते हैं कि आपको एक बहुत ही ज्यादा केयरिंग फैमिली मिली है या केयरिंग पार्टनर मिला है, लविंग पार्टनर मिला है जो आपको ध्यान रखता है, चाहे आप कितना भी गुस्सा करें, कितना भी आपका मूड ऑफ रहे, कितने भी आप जिद्दी रहें, बट देयर इज अ वन पर्सन इन योर लाइफ जो आपको कभी छोड़कर नहीं जाता। ये आपके लव लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, ब्रदर, सिस्टर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, बट कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जो आप कितने भी ब्रूटली वोकल रहें, ये कितना भी आप थोड़ा जिद कर लें या कितना भी डोमिनेट करने की कोशिश करें, आई एम नॉट सेइंग कि आप करते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं कि एक पर्सन तो है आपकी लाइफ में जो किसी भी कीमत पर आपको छोड़कर नहीं जाता है, चाहे आप कैसा भी बिहेव करें। सो दे थिंक कि ये तो बहुत अनफेयर है, आप तो इतना अच्छा पर्सन डिजर्व भी नहीं करते, आपको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट व्यूवर्स, इट इज जस्ट देयर परस्पेक्टिव, वो आपकी लाइफ जी नहीं रहे हैं, वो सिर्फ आपकी लाइफ देख रहे हैं, और देखने के अनुसार उन्होंने एक सोच बनाई है। दैट डजेंट मीन कि वो आपको समझ पाए हैं, ओके, बिकॉज दे आर नॉट लिविंग योर लाइफ, दे आर लिविंग देयर लाइफ एंड जजिंग योर लाइफ। थिंक वॉट इज देयर लाइफ, यानी कि वो आपका जीवन नहीं जी रहे हैं, वो अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन जज आपका जीवन कर रहे हैं, तो सोचिए उनका जीवन क्या होगा। वाओ, दैट जीवन साउंड्स कूल, सीम्स कूल एंड साउंड्स कूल, जीवन। ओके, व्यूअर्स, आप लोगों के नाम में ए हो सकता है, डबल ए हो सकता है, एस हो सकता है, एच हो सकता है, इवन आई कैन सी वी हियर, एच एस एम एन एम एन, ओके, या ओके व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ हेल्प मिली है, कुछ गाइडेंस मिली है। अगर मिली है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाए, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊं सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ओके व्यूअर्स, और मैंने आप लोगों के कहने पर, आप लोगों के डिमांड पर एक न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर हम फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करते हैं, तो अगर आप चाहें तो मेरे दूसरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओनली इफ यू वॉन्ट। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दोज लवली कमेंट्स। ओके व्यूअर्स, आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर प्रेजेंस, आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू सो मच, बाय बाय।